पंजाब के रवायती खेल कबड्डी का मैदान सजा पहलवानों के शहर गुजरांवाला में, जहां पर पंजाब के नामवर पहलवानों ने, कौमी कबड्डी हीरोज ने अपनी जवान मर्दी के जोहर दिखाए। कबड्डरों और जाफियों ने शहरियों से खूब दाद हासिल की। मैं यही कहूंगा कि कबड्डी को जितना भी प्रमोट कर सकती है ना गवर्नमेंट को करना चाहिए। जी ऑलरेडी जो हमारे जो कबड्डी के जो हमारे चेयरमैन हैं गुजरांवाला डिवीजन के हमारे इशफाक पोला साहब और उस्मान भट्ट जो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन हैं, उनकी ऑलरेडी इंडिया पंजाब के अंदर कबड्डी के हवाले से बातचीत चल रही है। कबड्डी टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में गुजरांवाला और हाफिजाबाद के बड़े बड़े पहलवान एक दूसरे को चित करने के लिए फन्ने पहलवानी कबड्डी के दाव पेच आजमाते रहे। कांटेदार मुकाबले के बाद बिलाखर 4 पॉइंट से जीत हाफिजाबाद के हिस्से में आई। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर कुंडी फट्टी और कैंची जैसे खूब ताकतवर दाव पेच लगाए। सानू बड़ी खुशी है हाफिजाबाद जीते है, पहले इंशाल्लाह तो हाफिजाबाद जीतता है, आज भी जीत। बहुत टफ मुकाबला हुआ, दोनों टीमों के प्लेयर बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ, आवाम ने बहुत इंजॉय किया और ऐसी गेम गुजरांवाला में होनी चाहिए जिससे सनसनीखेज मुकाबले हों और आवाम इंजॉय करें और नए यंग लड़के इस गेम में आए। रवायती कबड्डी की पंजाबी कमेंट्री ने खूब समा बांधा। फन्ने पहलवानी के मुख्तलिफ मुकाबलों के इनकास से दुनिया भर में मुल्को कौम का नाम रोशन हुआ, जबकि ऑर्गेनाइजर का कहना है कि ऐसे मुकाबले आइंदा भी पहलवानों के शहर में करवाए जाएंगे ताकि फन्ने कबड्डी को फ़रोग मिले। कैमरामैन आसफ जान के साथ जाहिद इकबाराना, 24 न्यूज़ गुजरांवाला।